हाय हेलो, मैं वापस आ गया हूँ एक और हॉरर मूवी के साथ। इन दिनों मैं बहुत हॉरर सा स्टफ बना रहा हूँ। अभी अभी दो ब्लॉग बनाए हॉन्टेड हाउस के, ये इधर से बिल्कुल सामने वो, और अगले ही दिन मैं अब हॉरर मूवी देख रहा हूँ रात के 12 बजे, वो भी सर्दियों में जब ब्लाएँ घूम रही होती हैं। और मुझे नहीं पता ये ट्रू स्टोरी है कि नहीं, फिर भी मैं देख रहा हूँ अकेला बैठ के। पिछली बार गर्मी थी, इस बार ठंड आ गई है, देर से बात बना रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आ मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा और मैं सरवाइव कर सकूंगा और रात को सो भी सकूंगा। 2 घंटे की मूवी है, दी एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, शायद मैं सही कह रहा हूँ, इसी तरह प्रोनाउंस करते हैं। डर लग रहा है। दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। व्हाट द हेल, ये ही सारा था मेरा आज की रात जिंदा गुजारने का, ये भी गया। मैं बाथरूम से होके आ गया हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ ताकि मुझे पता है मूवी देखने के बाद मैं बाथरूम नहीं जा सकूंगा। 2 घंटे की है, 2 बजे खत्म हो। मामा 2 बजे तक ना सोना, मेरे सोने के बाद आज सोना। मुझे इस वजह से भी ज्यादा डर लग रहा है ना इस बार, क्योंकि मैं अभी उस घर से होके आया हूँ कल ही। इसको क्या हुआ है? उसी हाथ में डॉल। कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही है बाहर से। What I care about is telling Emily Rose's story. I want people to hear what Emily can tell. And what is that? What really happened to Emily and why? Oh shit, yaar. Billi hai, yaar. Dog khauf kar tum log. Your girl is dead. If she's a man of God, then personally, I think she's more subject to the laws of moral behavior and punishment. मुझे लग रहा है ये एमिली रोज की स्टोरी नहीं है, ये आफ्टरमैथ है। वो शायद मर गई भी है, वो तो ये कह रहे हैं पहली मर गई है। तो अभी मूवी का करेंगे क्या 2 घंटे का? पहला हॉरर सीन। टीम 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 Let the record show that the defendant Ethan Thomas, I'm the assistant district attorney, and I represent the गाड़ी तीन पे रुक गई है। In the case before you, मुझे लग रहा है ये मूवी ना साइंस वर्सेस सुपरनैचुरल है। एक टीम साइंस की है तो एक टीम भूत वगैरह भी यकीन करने वाली है। Before the defendant began his religious treatment. This is a photograph taken of her on the day that she died. What the? What the? This is. I stand here for Emily Rose. This is who bad. Died horribly at age 19. Oh my, look at that, yeah. Oh, shit. You won't be able to see Emily sitting here day after day during this goosebumps. Trial. Goosebumps. But I hope you remember her as she was when she was alive. Change for her. Emily Rose की जो original story है ना, वो सच है। उसका मुझे भी पता है। अगर आपको नहीं पता तो वो एक लड़की थी ना, तो उसको 7 मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, या मैं देख के बताऊँगा। Different ना जिन चमड़ गए एक साथ। And in Emily, उसकी वीडियोस भी ओरिजिनल वीडियोस भी ना यूट्यूब पे हैं, आप देख लेना। Actually, it was her mother. लेकिन उस पर ना she telephoned me, उस पर ओरिजिनल मूवी बनी हुई थी एक्सॉर्सिस्ट। थ्री ओ माय गॉड, 3 AM What the?
सो जा चुप करके। तीन बज के 2 मिनट। ओह नो नहीं यार, फॉर गॉड्स सेक यार नहीं। नहीं यार उसकी वो यूं होते हैं यूं। लड़की थी उसको साथ एक साथ चमड़ गए थे, फिर Is it possible for a person suffering from such a seizure to have hallucinations or perceive the things that Emily described? The muscle contractions could feel like an extreme pressure on the body. And it is certainly possible with all that. नहीं नहीं मुड़ी ना खुदा गवाह, छोटी लड़की थी वो उसको साथ मेरे साथ से डिफरेंट जीन चमड़ गए थे ना, उन सब के अलग अलग नाम भी थे, उनमें से एक का नाम मुझे याद है लूसीफर था। तो उन सब की ना आवाजें अलग अलग से YouTube पे भी हैं, ओरिजिनल क्लिप से वो उसका बहुत बुरा होता रहा है YouTube पे जहाँ मैंने देखा है भी ये ओरिजिनल स्टोरी है, फिर कह रहा हूँ जाके देख लेना। तो उस पे मूवी बन चुकी हुई थी एग्जॉर्सिस्ट, मैंने देखी नहीं है वो 90s की कोई मूवी है मेरे ख्याल से, उसी पर है एमिली रोज पर है। तो मुझे नहीं लगा था कि ये एक और मूवी एमिली रोज पर बनाएंगे, लेकिन ये शुरू हुई है वो मर गई थी एमिली रोज। अब मेरे ख्याल से जो जो लोग उसके साथ रहे हैं ना, उनसे ये वकील लोग स्टोरी पूछेंगे एमिली रोज की, और साथ साथ हमें भी ना पास की चीजें दिखाएंगे। ये मूवी इस तरह प्रोसीड करेगी जहां तक मुझे समझ आई, एमिली रोज तो पहले की मर चुकी है, ये मूवी शुरू भी नहीं हुई थी। क्या बताना चाहते हैं? देखा फ्लैशबैक। और इसकी शक्ल बारी से ना मैं मूवीज म्यूट करके देखूंगा। ये म्यूजिक देख रहे हो? नो यार प्लीज डोंट, यार प्लीज डोंट। व्हाट एवरी Please.
never did leave her. I stayed until the end. फिर से रात हो गई। This is too much, bro. This is too much. Done, bro. Done. I'm done. 2:59, 3 a.m. जरा ये तो जरा सा कुछ होता है बिस्तर से उठ के निकल जाते हैं यार। कोई मजाक है ये? फजूल, कौन जाता है इस तरह यार? बिस्तर में रहा करो। ये देखा ना, ये वही कर रही है वो जो एमिली ने किया था। इतनी बहादुरी यार, ये देखो यार, कोई जगह होती है बहादुरी दिखाने की यार। इसको भी लग रहा है कुछ जल रहा है, जिस तरह वो अभी ना एमिली के साथ हुआ था फ्लैशबैक में। बंद है सब कुछ, ये तो इसके सामने उसने ये बात बताई थी जलने वाली। इसको अक्ल ही नहीं है लड़की को, अब क्या बोलूँ यार। इन्होंने भी तो मूवी ड्रावनी बनानी है ना। कहीं लाइट ही कहीं जब मजे करो, लाइट ही कहीं कंबल दो। 3 हो गए, पुत्री घड़ी रुक गई है, घड़ी 3 पर रुक गई है। मैं तो नहीं देख रहा सवाल ही नहीं पैदा होता अगले सीन में। देख, अगला सीन गुजर गया। ओ फादर, ये इधर ही मरेगा बेचारा। 7, 8, 9, 10 एंड यू आर अ डेड मैन। ओ शिट यार, इतनी सी उसके अंदर डर लग रहा था, वो पूरा का पूरा पोस्टर उठा के ले आए। अच्छा, वो लड़के वाले लॉयर के साथ इसलिए नहीं, वो जिन छिन कर रहे ना, क्योंकि वो उन जिन्नात के हक में एक तरह से कि हाँ जी उसने नहीं किया था, साइंस का मसला था, उसको कोई बीमारी थी, इसकी वजह से वो मरी है। तो ये जिन छिन नहीं होते, इसकी वजह से उसके साथ वो जिन्नात वगैरह ना ये सब नहीं कर रहे। ये लड़की और जो फादर नहीं है, ये कह रहे हैं हाँ जी उन्होंने किया था, जिन थे वजह से वो मरी, हमने इस तरह कुछ किया, बीमारी नहीं थी उसको, जिन थे, इसकी वजह से वो उसको मारना चाह रहे हैं, वो लड़की और फादर को। ये पोजेशन को ना साइंस के तौर पे बयान करना चाह रहे हैं। You're in a spiritual battle, Aaron. The forces of darkness are trying to keep you away from the light. Don't let them. उस बंदे ने वैसे सही नाम दिया है, द स्पिरिचुअल बैटल। एमिली रोज सफर्ड फ्रॉम अ सीरियस मेडिकल कंडीशन दैट रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। यस, नथिंग मोर। यस, ही हैज असर्टेड दैट एनी अटेम्प्ट बाय माय क्लाइंट टू हेल्प एमिली बाय एनीथिंग अदर देन मेडिकल मींस वाज नॉट ओनली इनअप्रोप्रिएट बट क्रिमिनली नेगलिजेंट। एब्सोल्युटली, लेकिन ये सच नहीं। मेडिकल ट्रीटमेंट वाज नॉट द आंसर फॉर एमिली बिकॉज़ शी सिंपली डिड नॉट सफर फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन। She was neither epileptic nor psychotic. Emily Rose's condition, in fact, was demonic possession, and exorcism was her only hope for a cure. Tell us what else happened that night. Please don't. Please. I walked her back to her dorm. Don't. And she seemed really nervous and scared. So I held her for a while, trying to calm her down. I fell asleep, but when I woke up, she wasn't beside me. Oh my God! Emily? Holy hell! For God's sake, yaar, aise mat. Can you hear me? Oh my!
उसकी आंखों में आंसू फैल गई। When you arrived, I sent my daughter Alice upstairs to see the family was awake. Shut up, यार। अंदर जा रही है। Holy shit. I am not watching this. मैं ये नहीं देख रहा। आप लोग देखना, मैं नहीं देख रही। दोनों चीखें मार रहे हैं। निकल यहाँ से। Run. बाल नोच रही है। Stop her right now. I can't believe this. Let's get her off the floor. Alice, no. ये कुछ करेगी? मैंने रूम की क्या हालत बनाई है, रेड कलर का। अपनी मौत को खुद ही दावत दे रहा हूँ मैं। उसको देखो यार, वो जुबान में कोई और बोल रही है। इसके लिए भी टैलेंट है। वैसे जो इस तरह की स्टोरीज होती हैं ना, जो ये कहते हैं कि बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी या ट्रू इवेंट्स, उनकी एंडिंग ना हैप्पी होती है। तो जिन वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। You suffered a terrible loss. यहाँ जहाँ तक मैंने देखी है ना मूवीज, हॉरर मूवीज, उसके अंदर यही होता है, वो निकल जाते हैं। Yes, I did. लेकिन ये एक ऐसी स्टोरी है ना, असली स्टोरी है, लेकिन उसके अंदर मर जाती है, बहुत बुरी तरह मरती है, मतलब बहुत सफर करके मरती है। और ये सबसे बुरी बात है, सबसे डरावनी बात है। ऐसा हुआ था, और ऐसा हुआ था। हाँ, अब ये भी कोना ऐसा हुआ था तो और ही बंदा कहते हैं यार, दिस वॉज बैड। ये कौन आई है? I study the spiritual experiences of people in various cultures and the physiological and psychological changes. Why did this possession happen to her? Based on my study of the case file, I believe that Emily Rose was a hypersensitive, a person with an unusual connection to what Carlos Castaneda called the separate reality. उन्होंने बताया, मतलब ये इस लिहाज से आप देखो कि उस टाइम कितनी बड़ी स्टोरी थी एमिली रोज। ओ, इनको एक डॉक्टर मिल गया, मतलब कि एक तरह से डॉक्टर्स और फादर्स का बैटल है ना, केस लड़ा जा रहा है। तो इनको एक फायदा हो गया है, इन फादर लोगों को, इनके साथ ना एक्सोर्सिज्म के टाइम एक डॉक्टर भी था। अब अगर वो आके ना कोर्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन दे दे कि मैं भी उधर ही था, ये सच कह रही है, एक्सोर्सिज्म पोजेशन एक सच्ची बात है, तो ये केस जीत जाएंगे, इनके पास अच्छा चांस होगा जीतने का। मेरे ख्याल से डर है, इसको पता अगर ये इन्वॉल्व हुआ ना तो वो स्पिरिट्स इसके पीछे भी आएंगे। She was lucid, and she was completely aware of the separate entity inside her. Send me the case files and tell me when to be in court. Thank you, doctor. We need this. Oh, ये उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। Before he was arrested, Father Moore sent this to me. Oh, tape. Take care of it. That's your burden now. अब मुझे लग रहा है जितना खुश है ना ये सब, वो मर जाएगा डॉक्टर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। This is huge. When do I get to testify? I don't know. Let's just take this one step at a time. No. What matters most is Emily's story, which only I can tell. अच्छा, हाँ, समझ आई। इस फादर ने शुरू में कहा था इस केस में कि मैं बताना चाहता हूँ कि एमिली रोज की क्या स्टोरी थी। ओह, रात 3 बज गए। 3 बज गए। बज गए। 3 आवाज। 3 बज गए। तीन रेडियो
डॉगी चीखें Furthermore, before you could actually perform the exorcism, you had to get the sanction of the church, Agia. Correct? Tell us what happened that night. I drove home. I sat up till after midnight studying the Roman ritual. I actually fell asleep with the book in my hand. What happened next? I woke up, freezing. It was exactly 3 a.m. 3 a.m. is the demonic witching hour. It's a way for demons to mock the Holy Trinity. I thought I smelled something burning. Oh, iske saath yahi hua tha. Later did I connect it, and I remembered that that same smell of something burning had been perceived by Emily. Shukar isko to yaad tha na. Lekin ja raha ye bhi hai. 3 baje. Ye jo unhone bata diya na ki 3 baje unka time hota hai. Main gaya. Mujhe aaj sote sote waise 3 ho jayenge. Uske baad किधर आनी है नींद मैं फारिग हो गया यार अगर इस तरह वापस दौड़ दौड़ के बेड पे जाना है तो निकले ही क्यों था बाहर निकला ये पागल It scared the hell out of me. So this night, when you began to prepare Emily's exorcism, was it your first encounter with this demon ghost? Yes. Have you seen it again? I've seen it ever since. Oh, tape. Father Moore, can you identify this? It's my tape recorder. I use it to record the exorcism. Inside is the tape I made that night. Chalao tape. Tape chalao. Father Moore, will you play the tape for us now? Yes. Yes. Please, yes. Allah kare same voices hon uske andar jo raat ko thi. This is the exorcism of Emily Rose. Holy shit. Those present are myself, Father Richard Moore. Nathaniel. Emily's Get father. Get the hell out of... Ye dikha rahe hai raha, wo Jason, tape hi bohut thi drane ke liye. Friend. For God's sake, na dikhana yaar. Who is here Ye to monitor movie ka, Emily nahi hai, during to... the ritual. Rehti hai. And Emily herself. Who has given her permission for the ritual to be performed. Right. Now listen. You may say the rosary or any private prayer of your own for her deliverance when you're not responding to my words. Above all, do whatever I ask without question. Doll. Don't ask it any questions. We won't be dealing with Emily tonight. Shut up. Shut up. Shut Restrain the hell up. Usko bandho to sahi pehle rassiyon se aur shukar hai theek 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 hai so far so good. Lord Jesus Christ. Ek rassi se kuch nahi hone laga main nahi dekh sakta ye yaar. Let's begin. Let us pray. ये मैंने नन में भी देखा था साम बी स्ट्रॉन्ग हु आर इन हेल अलाउ मी बी लाइक दैट तेरा कोई मूवी है होली हेल व्हाट द गॉड ये कुछ तो क्विट ओवर ब्रिटेन क्या रात से आप ही दस काइंड इज मेटिंग नाइट व्हाई आर यू डीमन टेल मी योर नेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1
He's gone. Just like that. वो भाग गई है. अकेला क्यों जा रहे? कंपनी आ गई, शुक्र है. We can do this the easy way or the hard way. Said it. Hard thing. Please.
डॉक्टर को क्या कर रही हो? डॉक्टर पहले डरा है। Behold, I give you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Then... Banna ma bhi nahi hai. Sham. करो यार ओ शिट होली शिट रिलीज हिम डेमन आई कमांड यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हां तेरी कुर्सी पड़ो यार टेल मी योर नेम विकेड वन मोनोस्टोट्स गॉट अ क्विक रिफ्लेक्स ही हु कमांड्स यू इज ही ऑर्डर्स यू थ्रोन डाउन फ्रॉम द हाईएस्ट हेवन इनटू द डेप्थ्स ऑफ हेल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आई नाउ कमांड यू टेल मी योर नेम Therefore, and fear, Satan, enemy of the faith. Give me your name, demon! Names! Names! Adorator, Lata, Armiam, Shashita! Ancient serpents! Depart from this servant of God! Tell me your six names! Six. We are the ones who dwell within. The new Shushelhead, Betorikai, Queen Abitabit in Rome. And I case a paraffin in you, Dai. It's Miglingio. Anablia. And I am Lucifer, the devil in the flesh. मैंने कहा था ना YouTube पे वीडियो पे वो लड़की के अंदर जो जेन ने वो अपने छह ने बता दिए छह के छह नाम खुद बताते हैं और मैं सही कह रहा था इसके अंदर भी उन्होंने दिखाया I called his office, I called his house. Doctor, inki ab last hope hai, jo udhar eyewitness hai, doctor. Somebody's got to know where he is. Aur ab unko mil hi nahi raha, wo bhag gaya hai. Wo bhi keh raha hoga, agar main aaya, main gaya. Main aaya court mein aur main gaya duniya se. Oh, ye khada hua hai. Kyun nahi aaya ladke? What the hell happened? The hell? Tell Father Moore I'm sorry. Tell him... I know the demons are real, and I admire his courage for standing and speaking against them. Tell him I know what they can do. अच्छा scenario ये कि ये लोग dead. बिल्कुल हार गए समझो सबूत भी एक था उनके पास आखिरी वो भी गया मर गया अब ये पता नहीं क्या करेंगे रो रही है वकील डॉक्टर कार्टराइट इज डेड व्हाट ही वाज किल्ड देयर वाज एन एक्सीडेंट आई एम सॉरी वी हैव लॉस्ट विदाउट हिज टेस्टिमोनी इट्स ओवर No, it isn't over. We're telling Emily's story. That's what matters. It can't be worth all this. Yes, it is worth it. Just let me go back on the stand and tell the rest of the story, and then you'll know. I can't do that. You must. Here, take this. What is this? Just read it, and then decide what you want to do. इस लड़की वकील का जो बॉस है ना, उसने कहा अगर इस फादर को तुम फिर से उस कचहरी में लाए ना, तो मैं फायर कर दूँगी. कर दूंगा लैंग्वेज को क्या हो गया और वो कह रहे मुझे एक बार और आने तो मुझे उसकी स्टोरी सुनाने दो
पता नहीं क्या हो रहा है यार। मेरे ख्याल से आज आखिरी दिन है, ये एंडिंग है शायद। दिस इज इट, द फाइनल शोडाउन। फादर मोर, Why did God allow Emily to become possessed by demons and then die? I can let Emily answer that. Last night, on All Hallows' Eve, Father Moore tried to cast 6 demons from my body. They refused to go. After the attempted exorcism, I was taken to my room, and I fell into a deep sleep. I awoke a few hours later, hearing a voice calling out my name. Again, I heard a voice calling my name. It was the Blessed Holy Mother of God. And when I looked at her, she smiled at me and said, Emily, Heaven is not blind to your pain. I asked the Blessed Mother, why do I suffer like this? Why did the demons not leave me tonight? She said, I am sorry, Emily. The demons are going to stay where they are. Then she said, you can come with me in peace, freed of your bodily form, or you can choose to continue this. You will suffer greatly, but through you, many will come to see that the realm of the spirit is real. The choice is yours. This is yaar, like... I choose to stay. Why? Why did she choose pain over relief? Yeah. In the end, good will triumph over evil. Through my experience, people will know that demons are real. People say that God is dead. But how can they think that if I show them the devil? After that night, why do you think Emily refused another exorcism? I believe she'd accepted her fate. I'm a man of faith, and I'm also a man of facts. And in here, facts are what must matter. And these are the facts of this case. Emily Rose had epilepsy, which caused psychosis, and given time, medicine would have cured her. But it didn't. Why? Because Father Richard Moore convinced Emily that she wasn't ill. This is not right. Please don't show this picture to me. So? Please, मुझे सोना है रात को. It wasn't the devil that did this to Emily Rose. It was the defendant. He didn't do it, yaar. Ethan Thomas calls himself a man of faith. I, on the other hand, am a woman of doubt. मुझे लगा गिव अप कर जाएगी. Do I really believe that this tragedy is the work of the devil? To be honest, I don't know. But I cannot deny that it's possible. The prosecution wants you to believe that Emily's psychotic epileptic disorder was a fact, because facts leave no room for reasonable doubt. But this trial isn't about facts. This trial is about possibilities. Is it a fact that Emily was beloved by God? I don't know. And that after her exorcism, she chose to suffer till the end so that we might believe in a more magical world.
A world where the spiritual realm really exists. Yes. I can't say that's a fact. The only thing I know, beyond a doubt in this case, is that Father Moore loved Emily with his whole heart. He did everything in his power to help her. He has risked his very freedom so we could hear her story. Yes. जीते या हारे क्या ये क्या था? In the case of the people versus Father Richard Moore, we, the jury, find the defendant guilty of negligent homicide. Father Richard Moore, हार गए. Do you understand this sentence which has been found against you? Excuse me, Your Honor. But the jury would like to make a recommendation. What did we recommend a sentence of time served. I'll accept that. You are guilty, Father Moore. And you are free to go. Oh. This court is dismissed. All rise. उसको गिल्टी साबित कर दिया है, कोर्ट ने बोल दिया है, लेकिन उसकी सजा 10 साल थी, लेकिन उसने कहा कि यू आर गिल्टी लेकिन आप फ्री हो जाओ, आप गुनहगार हो लेकिन आपकी सज़ा कोई भी नहीं है. इट डजंट मेक सेंस, लेकिन इन अ गुड वे इट मेक सेंस अ लिटिल बिट. वंस यू लुक्ड इनटू द डार्कनेस, आई थिंक यू कैरी इट विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. दे हैव टू कैरी इट. Work out your own salvation with fear and trembling. 3 बजे क्या होगा? Please Marina यार, please happy ending यार, please happy ending करो यार, please, please don't die, please don't die. ये मूवी थी. ये रियल कहानी पे बेस्ड है, कहानी नहीं वाक्या, जिसकी वजह से ये और ड्रावनी बन जाती है. और वो नन कंजोरिंग वो बेशक असल स्टोरीज थे, लेकिन उसकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग थी, इसकी नहीं थी. और 6 यार 6 मजाक है. मुझे तो डर ही लगता है यार, ये जो म्यूज़िक उन्होंने लगाया हुआ है ना बैकग्राउंड में, मेरे तो ऊंचा बोले भी नहीं जा रहा. मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग पहले जाओ यूट्यूब पे एमिली रोज को सर्च करो, उसकी वो वीडियो देखो जो ओरिजिनल क्लिप है, वीडियो भी है और अलग से उसकी टेप भी है, वो सुनो जाके. वो ओरिजिनल है यार, मजाक नहीं है. मेरे से तो पूरी नहीं देखी गई, मैं पहले बता रहा हूँ, वो ड्रोनी टाइप की थी. उसके बाद ही आके आप देखो, आप लोगों को मज़ा आएगा. मज़ा क्या, डर लगेगा. मैंने देख लिया, अब मैंने सुना यार, 2 बज गए होंगे मेरे ख्याल से, 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने सोना है, 3 बजे से पहले पहले. मैं तो अब नहीं जागता, सवाल ही नहीं पैदा होता 3 बजे तक मैं जागूं. 2 मैक्सिमम 2 बजे, 12 बजे मैं बेड पे हूँ आइंदा से. बस ये मेरी रेजोल्यूशन है, दिसंबर आ गई है, बस न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 3 बजे से पहले पहले नींद में. 3 बजे आधी रात को अगर आँख खुली, कुछ लगा बाहर जल रहे, बिस्तर से इधर से उधर सांस भी हल्की आवाज़ में लेनी है, बस मैंने तो सोच लिया पहले आज की रात गुजारूं. और मुझे इस मूवी का सब कुछ आता रहेगा जब तक मैं सो नहीं जाता, विजन्स आते रहेंगे. और मैं बताऊं, मेरे साथ भी हो चुका है, बुरा नहीं हुआ हुआ, जो लोवेस्ट लेवल की चीज़ होती है ना वो मेरे साथ हुई थी, लेकिन मैं कह सकता हूँ मेरे अंदर भी थे. यहाँ तक मुझे पता है 2 थे, हमें बताओ, आप लोगों को यकीन भी नहीं आएगा, मैंने देखे हुए भी हैं वो, सच में मैंने देखे हुए. मुझे तो डर लग रही है बातें बोलते हुए, लेकिन मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं कभी अपनी स्टोरी सुनाऊंगा आप सबको. बस यार, मैं मेरे पास और कुछ कहने को नहीं, अल्लाह हाफिज़. मैंने सोने में अब सोच रहा हूँ किस तरह सोऊं. अल्लाह हाफिज़ यार, अल्लाह हाफिज़. आयतुल कुर्सी पढ़ के सोना सब आज.